हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। आज हम आलू की टिक्की बनाने वाले हैं, बिल्कुल शादियों वाली कुरकुरी टिक्की बनाएंगे आज हम। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और ऑयली भी नहीं है बिल्कुल। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टिक्की बनाने के लिए 2 किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाल लिया है और इनको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इन्हें हम मैश कर लेंगे अच्छे से सारे आलू को। ये हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम पोहा डालेंगे। ये मैंने 1 कटोरी पोहा लिया था, जिसको मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम डाल देंगे इसमें, और 2 चम्मच हम इसमें अरारोट डालेंगे। ये 2 चम्मच मैं इसमें बड़ा चम्मच लिया है मैंने, इसमें अरारोट डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, ये इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, ये मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने काट लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है इसको, और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमने पोहा डाला है हमारे आलू के मिक्सचर में, उससे जो हमारी टिक्की है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हमारी टिक्कियाँ बनाएंगे इनसे। ये हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, हम हमारी टिक्कियों को सैलो फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल है वो गर्म हो जाएगा। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं और हमारी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम टिक्कियाँ बना लेते हैं हमारी। ये मैं मीडियम साइज की टिक्की बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जैसी पसंद है। ये देखिए हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल हाथों पे नहीं चिपक रहा है। ये टिक्कियाँ बना ली है हमने, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है, अब इसमें हमारी टिक्कियाँ है वो डाल देंगे। ये देखिए हमने सारी टिक्कियों को डाल दिया है, अब इनको हम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। ये हमारी टिक्की है वो नीचे से सिक चुकी है, अब इनको हम पलट लेते हैं। ये देखिए सारी टिक्की को अच्छे से पलट लेंगे। ये देखिए टिक्की का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी लग रही है। अब हम दूसरी साइड से और इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए हमारी जो टिक्की है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, अब इन्हें हम निकाल लें। ये देखिए हमारी टिक्की है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए हमने टिक्की को सर्व कर लिया है, मैंने रेड चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है हमारी ये टिक्कियाँ, बिल्कुल आप आवाज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।